आमेर क्षेत्र के गांव जैतपुरा कीची स्थित एक स्टोन क्रेशर के डंपर चालक की डंपर के नीचे आने से मौत हो गई। परिजनों व लोगों ने आरोप लगाया है कि अन्य डंपर चालक ने तेज गति व लापरवाही से डंपर चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और हत्या की आशंका जताते हुए प्रदर्शन भी किया। सूचना पर आमेर थाना पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार अचरोल की बोलियावाला की ढाणी निवासी रामपाल मीणा जैतपुर खींची स्थित जय भवानी स्टोन क्रेशर पर डंपर चलाने का काम करता था। मंगलवार दोपहर को यह क्रेशर के पास रास्ते में इसका शव पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद सेकंडों लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। सूचना पर एसीपी अविनाश कुमार, आमेर थाना पुलिस, आमेर तहसीलदार सहित पुलिस जाप्ता व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों व लोगों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप जताते हुए आरोपी को तुरंत पकड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। सुनने में यह भी आया कि मृतक रामपाल यहाँ डंपर चालक था और वह कुछ दिन पहले यहाँ से नौकरी छोड़कर गया था। वह मंगलवार को अपने हिसाब करने आया था। अब इसका पता नहीं चल पाया कि रामपाल को जानबूझकर हत्या के इरादे से टक्कर मारी या फिर लापरवाही से चलाने से टक्कर लगी, और डंपर चालक कौन था इसका भी अभी पता नहीं चल पाया। डंपर रास्ते में खड़ा मिला। लोगों के प्रदर्शन करने पर प्रशासन व पुलिस ने आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। बाद में परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। रामपाल को तेज गति व लापरवाही से डंपर चलाते हुए टक्कर मारी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है।